बिसम रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा कल ब्रॉडर व्यू के अंदर मैंने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात की थी शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा अनयूजअल किस्म का स्टेटमेंट दिया था जो कि न्यू एज बांग्लादेश में भी रिपोर्ट हुआ था उनका कुछ स्टेटमेंट इस तरह का था कि हम जो है वो परचेजिंग कम कर देंगे उन मुल्कों से जो कि हमारे ऊपर सेंक्शंस लगाएंगे मैं न्यू एज बांग्लादेश को कोट कर देता हूँ उन्होंने लिखा कि दी प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट बांग्लादेश विल नॉट परचेज एनीथिंग फ्राम कंट्रीज दैट वुड इम्पोज सेंक्शन टुक मैनी बाय सरप्राइज बिकॉज नो वेस्टर्न कंट्री हैज येट सो डन द ओनली सेंक्शन इम्पोज बाई दी वेस्ट ऑन बांग्लादेश सो फार हैव बीन दोज बाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑन दी रैपिड एक्शन बटेलियन एंड सीनियर बटेलियन एंड पुलिस ऑफिशियल्स फॉर सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलूशनस अब कल ही मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि इनका ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली इलेक्शन से जुड़ा हुआ है बंगलादेश की एलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है और वो असल में अमेरिकन्स को और वेस्ट वालों को शायद ये पैगाम दे रही हैं कि अगर आपने गैर जरूरी इंटरफेरेंस की हमारे इलेक्शंस के अंदर जो कि हमारा इंटरनल मामला है उनके बकौल तो हम आपसे फिर टाइज डाउनग्रेड भी करेंगे कुछ इस तरह का एक कहते हैं ना इम्प्रेशन इस तरह का मिल रहा है इनकी स्टेटमेंट से ये कल मैंने बात की थी अब आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड थी इतना जल्दी जल्दी मेरे ख़्याल से शेख हसीना को कुछ इसका पता होगा कि ये होने जा रहा है तो शायद इनकी ये जो स्टेटमेंट आई कि परचेजिंग कम कर देंगे ये उसी हवाले से थी लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका की जानब से ये हुई है कि अमेरिकन ने ऐलान कर दिया है कि हम वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे किस पे? उन फोर्सेस के ऊपर जो कि बांग्लादेश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाएंगे। अब ये इनडायरेक्टली किसको बोल रहे हैं अवामी लीग को बोल रहे हैं भाई इलेक्शन कंडक्ट करवाना उनका काम है ना इस वक्त हुकूमत में वो हैं तो अमेरिकन ने अवामी लीग को आ, कहा हुआ है कि अगर आपने इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए तो हम आपके ऊपर और आपसे जुड़े हुए तमाम जो रिलेटिव वगैरह इतनी सख्त वहाँ पर से बयान आया है कि आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनके ऊपर भी सेंक्शन लगेंगे एंटनी ब्लिकन जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका एक ट्वीट आपको दिखा देता हूँ कुछ देर पहले का ब्लिकन कहता है कि टुडे आई अनाउंस्ड अ न्यू वीज़ा पॉलिसी टू प्रमोट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अंडर दिस पॉलिसी वी कैन इम्पोज़ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स इफ़ दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर और कम्प्लिसट इन अंडर माइनिंग दी डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस इन बंग्लादेश स्पेसिफिकली उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है और वो सिर्फ और सिर्फ बंग्लादेश के लिए अब अवमी लीग और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये डिज़ाइन की है स्पेसिफिकली और यकीनी तौर पर यह एक बड़ा सेटबैक है अवमी लीग के लिए अब इससे दो चीज़ें होंगी या तो वो मज़ीद अमेरिका से ड्रैग हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे अमेरिका से हट जाएंगे उनके ताल्लक़ तो मज़द ख़राब हो जाएंगे या फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे अपना स्टांस सॉफ्ट रखेंगे इलेक्शंस में थोड़ी बहुत फेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ को जो है और वेस्टर्न ब्लॉक को वो वलेक्शन काबिल कबूल हों पिछले जो दो इलेक्शंस थे देखें ना उनके लिए तो वो कहते हैं कि कोई इलेक्शंस ही नहीं थे ये तो बस ऐसे ही थे फजूल किस्म के तो उनको तो वो नहीं भी मान रहे थे लेकिन बीच में इंडिया ने भी रोल प्ले किया था और बाकी की अमेरिका की दीगर अपनी भी कुछ मजबूरियाँ थी अमेरिका दूसरी जगहों पर गए जिससे ईस्ट में और अफ़गानिस्तान में तो इस जगह पर उनका ध्यान कम था आसियान और बांग्लादेश की तरफ लेकिन अब चूँकि ये जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है और पैसिफिक सी और साउथ चाइना सी ये बैटल ग्राउंड है अमेरिका चाइना जो कोल्ड वार चल रही है उसका तो वो ख़ास तौर पर फोकस कर रहे हैं इस रीजन के ऊपर तो मेरे ख्याल से इसी लिए अमेरिकन जो है वो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपने को रिवाइव करें अच्छा इंडिया के अंदर भी देखें आप हडजा बाबू हडजा बाबू बोल के बीजेपी वाले भी थोड़ा सा साइड लाइन होते हुए आपको नजर आते हैं जो रिसेंटली इलेक्शनस हुए हैं कर्नाटका के अंदर इनके अंदर किसी ने सवाल नहीं उठाया ई का और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़राब थी या धांधली की गई किसी ने किसी ने नहीं बोला इस तरह से तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी वो हवाओं का रुख जो है ना थोड़ा सा समझ गए हैं कि वो अमेरिकन जो हैं वो कुछ बातों पे उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है वरना आप देखें कि उससे पहले जितने भी इलेक्शंस होते थे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ के इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर इंडिया में भी लगाते थे लेकिन हाल में जो बिल्कुल रिसेंटली इलेक्शन हुए कर्नाटका के वो बिल्कुल ऐसे हुए कि सारों ने एग्री कर लिया उस पर और ये बड़ी खुशायंद बात है मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त बात है मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों ताकि किसी पार्टी के ऊपर कोई धब्बा ना आए और उसके जो रिजल्ट्स हों वो सबको एक्सेप्टेबल हों अच्छा ब्लिंकन साहब की इसी स्टेटमेंट को द बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी रिपोर्ट किया है कि यूएस एस में रिस्ट्रिक्ट वीज़ा फॉर बांग्लादेशीज़ बिलीव्ड टू तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडर माइनिंग इन्होंने भी वैसे बांग्लादेशीज लिखा है लेकिन ये अवामी लीग की तरफ टारगेटेड है सारी की सारी पॉलिसी क्योंकि एज आई सेड मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना बाय द वे हाल ही में शेख हसीना ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शनस जो होंगे वो अवामी लीग की ही सरकार में होंगे ये उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है लेकिन इस तरह अगर होगा ना उनकी सरकार में इलेक्शन इस बार भी होंगे तो अपोजिशन वाले तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे वो तो नहीं चाहते इस तरह के किसी इलेक्शन वो तो कहते हैं केयर टेकर सेटअप लाओ सारा मुद्दा ही इसमें है ना केयर टेकर सेटअप में अगर सियासतदान ख़ुद ही आपस में बैठ के और मामला तय कर लेते ना वहाँ तो वो ज़्यादा बेहतर था अब आप देखें कि अमेरिकन और बाहर की दुनिया भी इस इसमें बात करना शुरू हो गई है और अगर ऐसे ही अवामी लीग ने इलेक्शन करवा दिए तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एलेक्शनस होंगे और इसके यूँ समझे कि बड़े दूर रस नतज होंगे बहुत सारे दुनिया के मुल्क हो सकता है इसको ना भी माने अगर अमेरिका ने ना माना तो समझे वेस्ट के बहुत सारे मुल्कों ने भी नहीं मानना इसको इंडिया की पोजीशन बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हो जाएगी फिर अगर वो उस तरह की अवी लीग की सरकार को फिर भी मान लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी पोजीशन अजीब हो जाएगी क्योंकि वो है तो अमेरिका के ताद ही ना तो ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का खेल इलेक्शन से जुड़ा हुआ जो है वो बांग्लादेश के लिए बनता जा रहा है अब देखना यह है कि अवमी लीग इसको कैसे काउंटर करते हैं लेकिन ये बात तय है कि ये वाली जो पॉलिसी आई है ये इन्हीं के लिए आई हुई है भाई जमात इस्लामी वालों ने तो नहीं कराना ना इलेक्शन बीएनपी वालों ने भी नहीं कराना अवामी लीग ने करवाना ना तो स्पेसिफ़िकली उन्होंने इनको माइंड में रख के गालिबा ये पॉलिसी डिज़ाइन की है और सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब जो है वो ओपनली इसको अनाउंस भी कर रहे हैं तो ये बड़ा सेटबैक है अवामी लीग के लिए देखते हैं कि वो इससे कैसे निकलते हैं तो देखें अमेरिका जो है वो इस रीजन के अंदर ख़ुद को अजर्ट करता हुआ आपको नज़र आता है ना इंडिया के लिए मुझे यहाँ पर ख़ास तौर पर देखना मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि अगर अमेरिका की ये पॉलिसी है मतलब इस तरह की है ना कि थोड़ी सी अवामी लीग के मुखालिफ़ पॉलिसी नज़र आती है या फिर हम यूं कहें कि बैलेंसिंग पॉलिसी है जब वो कहते हैं कि हम किसी की भी फेवर नहीं करते हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो इसका इस नैरेटिव का फ़ायदा अपोजिशन वालों को हो रहा है मेरे कहने का यह मकसद है कि अपोजिशन वालों को इस नैरेटिव का फ़ायदा होता है वो भी यही चाहते हैं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए इंडिया कैसे देखता है वहां तो पूरी कंपेन चल रही है ना काफ़ी अरसे से लेके कि शेख हसीना मस्ट विन अवामी लीग मस्ट विन उनको जीतना चाहिए वही सबसे अच्छा है इंडिया के लिए और वो तो इस्लामी आतंकी हैं जमात इस्लामी वाले इस तरह की चीज़ें उनके लिए छपती रहती हैं और आर एस एस से एफिलटेड जो मीडिया ग्रुप्स हैं वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं इनके बारे में तो वो कैसे फिर अमेरिकन प्रेशर को रिजिस्ट करेंगे मैं आपको याद दिला दूँ कि चाहे वो अडानी साहब का डाउनफॉल हो जो कि बीजेपी के सबसे बड़े फाइनेंसर रहे हैं बकोल राहुल गांधी के या फिर हाल ही में जो दीगर स्कैंडल्स जैसे रफाइल का स्कैंडल और दीगर आए ये सारे वेस्ट से ओरिजिनेट हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं चाइना से तो नहीं बाहर आ रही नहीं चाइना तो नहीं लेकर आ रहा वेस्टर्न कंट्रीज लेकर आ रही हैं है। तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशन वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और रशिया के मामले में भी आप देखें दोनों की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं तो अगर यहाँ चाइना के बेकयार्ड में भी इंडिया एंटी अमेरिका पॉलिसीज लेगा अगर मिसाल के तौर पर अमेरिकन एक बात कर रहे हो बांग्लादेश के अंदर और इंडियंस दूसरी बात कर रहे हो तो ये कैसे काम चलेगा दोनों का तो इंडिया एक हद से ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करेगा फिर भी देखते हैं ये जो सेप्टंबर के अंदर मेरे ख्याल से शेख हसीना जाएंगी जी ट्वेंटी के इजलास में शिरकत करने के लिए वो उनका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि इंडिया किस हद तक उनको सपोर्ट करता है एज़ फार एज़ अमेरिका एज़ कंसर्न तो ये जब पॉलिसी आ गई ना ब्लिंकन साहब ने ये जो पॉलिसी अनाउंस कर दी ये मेरे ख्याल से उन्होंने रेड लाइन ड्रा कर ली है। अब देखते हैं अवामी लीग इसको इस रेड लाइन को क्रॉस करती है या नहीं करती है अगर वो इसको क्रॉस करेंगे तो यकीनी तौर पर उनके जो जल्लुत हैं वो वेस्ट के साथ बहुत ख़राब हो जाएंगे